नागिन हो तुम, नागिन। 4 साल में ही पूरा परिवार को तुम तहस नहस कर दिया। अपने बोलती है कि मैं ससुराल से सिर्फ बस अपना ही सामान लेके आई हूँ। और चैनल किसका दिया हुआ है? जिस इंसान को तुम सोशल मीडिया पे तुम बुराई कर रही हो ना, जो कि वो इंसान इस दुनिया में नहीं है, सुनने के लिए नहीं है। बोलते हैं कि कोई भी इंसान मर जाता ना तो उसको भगवान का दर्जा दिया जाता है कि मर का देवता हो गया, मर के देवता हो गया। और तुम ऐसे इंसान को तुम बुराई कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आता? और राजवीर से तुम्हारा अफेयर चल रहा था, इस वजह से तुमने पहला पति को तुमने मार डाला, ऑक्सीजन निकाल डाला, तुम्हें शर्म नहीं आया? और दादाजी को भी तुमने ही दवाई दे के मार दिया। और वो बूढ़े माँ बाप को तुम सोशल मीडिया पे नेगेटिव दिखाने की कोशिश कर रही हो। अगर वो माँ बाप का दोनों बेटा इस दुनिया में नहीं है, अगर उसका आत्मा, दोनों बेटा का आत्मा आसपास, माँ बाप के आसपास घूम रहा होगा, भटक रहा होगा, तो उसके आत्मा कितना रो रही होगी कि मेरे माँ बाप का आज कौन सा दुर्दशा हो गया है। तुम्हें शर्म नहीं है? तुम 4 साल में, तुम इतनी बड़ी नागिन हो कि तुम 4 साल में पूरा घर को तहस नहस कर दिया, पूरा घर को इतर बितर तितर कर दिया, पूरा बिखेर के रख दिया। अब तुम जो अपनी सास को बोलती हो कि मेरी सास जो है अपना भाई भतीजा करते रहती है, अपना भाई भतीजा को मथुरा के घर में शिफ्ट करेगी, उसी के साथ रहने वाली है, तो तुम खुद सोचो कि तुम जब वो अपने ससुराल से निकल के आई हो तो तुम किसके घर में अभी शिफ्ट हो रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम भी तो अपना भाई, माँ बाप सबको साथ में रख रही हो। तो जब तुम अपना भाई भतीजा कर रही हो तो तुम्हारी सास कर दिया, तो उसमें कौन सा पहाड़ ढा दिया? सो फ्रेंड्स, इस तरीके से नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं। दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। दोस्तों, सपना जो है अभी कुछ टाइम पहले जो है लखन भाई के पास गई थी। लखनीत फैमिली जो है सपना को लेकर अपने पास गई कि सपना के दिमाग में ढेर सारा नेगेटिव थॉट आ गया है, तो हमारे पास जाएगी तो थोड़ा अच्छा सोचेगी और फिर इसका मूड फ्रेश होगा। इसलिए लखन भाई आए और सपना को लेके गए, साथ में मम्मी को भी लेके गए, क्योंकि सपना का दो दो बेटियां हैं, साथ में ब्लॉगिंग करती है, एडिटिंग करती है, सब कुछ करती है। तो सपना को बच्चे संभालना, वीडियो बनाना, एडिटिंग करना, मतलब अकेले नहीं कर पाएगी, इसलिए सपना का भाई भी आए हुए थे। तो लखन भाई बोले कि चलिए आप सब भी हमारे साथ चलिए। तो सपना वहाँ जाके 2-3 दिन रही, लखन भाई को जितना हो सके अपने तरफ से पूरा अच्छे से खातिरदारी किया, अच्छे से घुमाया फिराया, और सपना का बच्चे भी वहां जाके बहुत ज्यादा खुश रहने लगे। मगर कुछ लोग सपना से जो जल रहे हैं और जो सपना को नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उस चाहते हैं कि सपना हमेशा डिप्रेशन में रहे, हमेशा वो दुनिया में रहे जहां पे उसको मौत के अलावा कुछ दिखे ही ना। जो सपना का हेटर है, और हेटर कोई और नहीं, सपना का ही सासू माँ का कुल रिश्तेदार है। अब देखो, ये बच्ची जो है, सपना जो है, मात्र उसका उम्र जो है मात्र 25 साल है। किसी का उम्र 25 साल में शुरू होता है कि ये बेचारी का पूरा जिंदगी ही पूरा खत्म हो गया। अब इस तरीके से कमेंट किया जा रहा है कि 4 साल में वो सपना अपने पूरा परिवार को ही खा गई। अब बताओ, कोई भी लड़की क्या चाहेगी कि मैं विधवा बन के रहूं? अब खुद बताओ, एक बार नहीं, दो दो बार उस लड़की के साथ हादसा हुआ है। अगर वो बूढ़े माँ बाप अपना अगर जवान बेटा खोया है, तो क्या वो बहू अपना पति नहीं खोया है? इस दुनिया में एक लड़की का जब साथ में पति नहीं रहता है तो इस समाज जो है जीना हराम करके रख देता है, जिंदगी बर्बाद हो जाती है एक लड़की का जब उसके लाइफ से पति निकल जाता है। तो और इस तरीके से गंदे कमेंट करते हैं। लखन भाई के पास जब सपना गई तो नीतू इधर उधर थोड़ी बहुत घुमाई, तो बस सपना ग्रीन कोट पहन रखी थी और बस बाल को खुला रख रखी थी। उसी में क्या कमेंट आता है कि मैडम थोड़ी और सस सवर लेती, ये तो बहुत कम हो रहा है। अब बताओ, जो सपना का मुंह बोली जेठानी है, इस तरीके से सपना को ऊपर इतना नजर रख रही है, कहाँ से सपना तुम्हें सजी धजी दिख रही है, ये पहले बताओ मुझे। बस बाल खुले रखना क्या मतलब गलत है?
क्या वो सिंगार है, ना ही वो कोई मतलब और कोई सिंगार किया, ना ही कुछ चेहरे पे और कुछ करवाया, बस ब्यूटी पार्लर में जाके नीतू थोड़ा सा जबरदस्ती किया कि सपना आपका बाल हमेशा स्ट्रेट रहता था, थोड़ा सा कर्ली कर लो या कुछ अलग से करवा लो। फिर सपना को प्रेशर करने के बाद थोड़ी सी सपना ने करवाया, मगर अगले दिन ही सपना ने उस स्टाइल को हटा दिया। तो लोग इस तरीके से कमेंट कर रहे हैं, शर्म नहीं आता। और लोग एक कमेंट तो इतना घटिया और गिरा हुआ है कि 4 साल में सपना अपने पूरे फैमिली को खा गई। वो क्या है, वो जानवर है कि क्या है जो पूरा परिवार को खा गई। और रही बात तो सपना अपना भाई और भतीजा और माँ बाप कर रही है, तब बताओ एक लड़की को, सपना इतना दिन से ससुराल में ही थी ना, ससुराल में ही वो रहना चाहती थी, वो नहीं चाहती है कि हमारा एक्स्ट्रा 20-25 हज़ार एक्स्ट्रा खर्चा हो। जहाँ पे सपना जो फ्लैट लिया है, कम से कम उसका रेट कम से कम 15 हज़ार या 20 हज़ार से कम नहीं होगा। अब बताओ सपना सोची कि चलो भाई जो कंट्रोवर्सी हो गई, जो मतलब कंटेंट था सास ससुर को नेगेटिव दिखाना या प्रॉपर्टी को लेना, सास ने कुछ भी नहीं दिया, एक पति का दिया हुआ गिफ्ट तक नहीं दिया, ना ज्वेलरी दिया ना ही प्रॉपर्टी दिया, हर चीज़ से बेदखल कर दिया, मगर सपना वहाँ रहना चाहती है, रहना चाहती थी शुरू से ही। सपना कभी भी माइंड में थॉट नहीं लाई कि मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी। सपना के सास के, जब भी सपना के सासू माँ का कोई भी भाई भतीजा सपना के ससुराल में जब भी एंटर करता, तो सपना के सासू माँ का ब्रेन वॉश होता और सपना से लड़ाई करना शुरू कर देती थी। अब बताओ सपना को जबरदस्ती निकाला गया है, सपना इतने सालों से रह रही थी, कभी भी अपने सासू माँ को नेगेटिव नहीं दिखाया, कभी भी अपने सासू माँ ससुर जी को गलत नहीं बोला, हमेशा पॉजिटिव चीज़ें दिखाई गई। रही बात अफेयर की, तो अफेयर पे तो बस आपका सोच है कि आप जैसे सोच आपका है, जैसे आपका नियत है, वैसे सामने वाले के बारे में आप सोचोगे। सपना आप सबको पता है कि कोविड के टाइम में जब मरीज जब जो जिसको कोरोना हो रखा है, डॉक्टर खुद नहीं मिलने देते हैं, डॉक्टर खुद अपना हैंडल करते हैं, तो सपना अपने पति को कैसे मतलब ख़त्म कर दिया, किस तरीके से ख़त्म कर दिया, ऐसे ऐसे कमेंट करते हो ना गिरे हुए हरकतें कि सच में शर्म आती है। आप लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। एक लड़की ऑलरेडी इतना डिप्रेशन में है, इतना परेशान है, और आप सब क्या चाहते हो, वो अपने आप को ख़त्म कर ले, क्या चाहते हो आप, इससे क्या मतलब उम्मीद कर रहे हो। वो जो अभी कंटेंट डाल रही थी, वो कंटेंट के ऊपर भी लोग बोलने लगे कि सा हमेशा रोते रहती है, हमेशा इस तरीके के करते रहती है, हमेशा मतलब पूरा एकदम सोशल मीडिया ही ख़राब करके रख दिया। फिर सपना गई लखन के पास, वहाँ जाके थोड़ा सा हैप्पीनेस वाला चीज़ें दिखाने लगी कि चलो इसकी ज़िंदगी में जो दुख तकलीफ है वो तो कम नहीं होगा, भले वो अपने आप को कितना भी दुख में क्यों ना रखे, मगर आप सबके लिए हैप्पी वाला ब्लॉग ला रही थी। मगर यहाँ पे भी लोगों को रहा नहीं गया, इतनी जल्दी कैसे ये खुश रहने लगी, इतनी जल्दी कैसे ये हैप्पीनेस होने लगी। अब बोल रही है कि मैं ससुराल से सिर्फ अपना ही सामान लेके आई हूँ, तो जो द रॉड चैनल है वो तो भी वो बूढ़े माँ बाप का बेटा का ही देन है, तो तुम वो कैसे लेके गई। अब बताओ ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहिए, क्या वो बूढ़े माँ बाप क्या ब्लॉगिंग कर सकते हैं, क्या वो जानवर के नाम से वो चैनल बना था जेरी के नाम से द रॉड चैनल, तो क्या वो जेरी जो है वो ब्लॉगिंग करेगा, उसके लिए कोई बनाना पड़ेगा। और जैसे भी हो, बोलते हैं ना कि पानी जब सर से ऊपर आता है तभी सपना अपने लिए स्टैंड लिया। सपना इस तरीके की बातें तब बोली जब सपना वहाँ रह के हर एक चीज़ को परखी, अच्छे से जानी कि मेरे सास ससुर के माइंड में क्या चल रहा है। अगर सपना के सास ससुर इतने ही दिल के साफ थे, तो क्या सपना के सास ससुर बूढ़े बूढ़ी हो गए हैं, वो पूरे लाइफ की अपनी ज़िंदगी जी लिया है, तो क्या उनको पता नहीं है कि एक पत्नी जब विधवा हो जाती है तो उसके पति का जब डेथ सर्टिफिकेट बनता है तो उस डेथ सर्टिफिकेट में पत्नी का नाम होता है, तो क्यों नहीं वो सपना के ससुर जी सपना का नाम डलवाया। अभी जहाँ पर भी सपना रहती है अपने बच्चों को एडमिशन के लिए गई, तो वहाँ पे स्कूल में पूछा जाता है कि आपका पति क्या करते हैं, कहाँ पे है, तो सपना बोली इस दुनिया में नहीं है, मेरा पति नहीं है। तो बोला क्या प्रूफ है, डेथ सर्टिफिकेट दिखाओ। अब डेथ सर्टिफिकेट दिखाती है तो उसमें सपना का
पति सपना का नाम ही नहीं है। अब बताओ, अगर सपना के ससुर जी का दिल में कोई भी छल कपट नहीं होता और सच में सपना को बहू मानते, बोल तो रहे थे कि मैं सपना को बहू नहीं बेटी मानता हूँ और सपना मेरी राज भी और सूरज दोनों पे, तो अगर इतना ही इनके दिल में छल कपट नहीं था दोनों को, तो अपनी बहू को घर से एक तो निकाल दिया, प्लस उसका पति का भी हक देने से मना कर दिया। एक होता है ना कि एक सपना को पति के तरफ से गिफ्ट मिलता है, एक सोने का चैन मिलता, वो भी नहीं दिया, प्लस शादी में जो चीज गहना मिलता सास ससुर वो भी नहीं दिया, प्लस चार चार फ्लैट सपना ने अपने नाम से खरीद रखा था वो भी नहीं दिया, ब्रांड बॉस करके सपना से चारों फ्लैट बेचवा दिया। चारों फ्लैट बेचवाने के बाद मथुरा में एक बहुत बड़ा एलिसान घर बनवा रहे थे ससुर जी। सपना सोची कि सब कुछ तो मेरा ही है, अगर ससुर जी कुछ कर रहे हैं तो मेरे और मेरे बच्चे के लिए ही तो कर रहे हैं। सपना बिंदास होके आंख मूंद के अपने ससुर के ऊपर भरोसा किया और सभी फ्लैट को बेच के और पैसा ससुर के हाथ में दे दिया। और रही बात, राजवीर जी के अकाउंट में भी 25 लाख था, 25 लाख रुपये था। किसी तरीके से सपना से साइन वाइन करवा के ससुर जी वो भी पैसा निकलवा लिए। अब सपना, अब बताओ आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर सपना ससुराल का घर पहले से ही छोड़ने का मूड बना रखी थी, प्लान कर रखी थी, तो आपसे मैं एक प्रश्न पूछ रही हूँ, बस इसी प्रश्न का मुझे जवाब दे दो कि अगर सपना का मूड पहले से ही था ससुराल छोड़ने का, तो क्या अपना चारों फ्लैट बेचकर सपना अपने ससुर के हाथ में पैसा देती? अगर सपना को पहले से ही ससुराल छोड़ना था तो क्या अपने पति के अकाउंट से, राजवीर जी के अकाउंट से 25 लाख रुपए निकाल के अपने ससुर के हाथ में देती? वो बच्ची बिंदास थी, वो सोच रही थी कि सास ससुर जो कुछ भी कर रहे हैं मेरे लिए ही तो कर रहे हैं, मेरे बच्चे के लिए तो कर रहे हैं, उनको मैं देख रेख करूँगा, मेरा सास ससुर मुझे देख रेख करेंगे। इसके मन में कोई भी गलत भावना नहीं थी, सास ससुर खुद सपना के साथ छल कपट कर कर के उसका सारा प्रॉपर्टी सारा पैसा निकलवा लिया, उसको अंदर से खाली कर दिया। जब वो अंदर से खाली हो गई तो उसको लात मार के घर से बाहर निकाल दिया। अपने सास ससुर को खुसुर फुसुर करते हुए सुना, और आप सबको पता है कि सपना ब्लॉगिंग करती है तो हमेशा अलर्ट रहती है, और सपना 2-4 महीने डेढ़ से 2 महीना पहले एक वीडियो में बोली थी सपना कि जो हमारा मथुरा में घर बन रहा है ना, देखिएगा भविष्य में ना जाने, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सासू माँ और ससुर जी जो हैं अपने मायके के अपने भाई भतीजा को साथ में अपने साथ शिफ्ट करने वाले हैं, मुझे ऐसा संदेह लग रहा है, आग्रह आ रहा है। अब बताओ, अगर एक बहू को दूध में गिरा हुआ मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिए, चलो भाई ये तो दूसरे के घर के थी, ठीक है, मगर जो पोतियां हैं, पोती तो उनके बच्चे का ही खून है ना, अपने बच्चे का अंश को भी नहीं छोड़ा। अब बताओ, वो बूढ़े माँ बाप हम मानते थे कि हाँ वो बूढ़े माँ बाप बहुत ही नाजुक है, मतलब वो बूढ़े माँ बाप का कितना बड़ा वियोग है, मगर बूढ़े माँ बाप खुद अपने पैरों पे लात मार रहे हैं, खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम कर रहे हैं, सपना को हर चीज से बेदखल कर दिया, उनको थोड़ा सा भी नहीं सूझा कि ना ही उसके पास कोई रहने का घर है, ना ही कोई चीज मैंने उसका उसको निशानी दिया, ना ही चीज गहना दिया, वो जाएगी तो कहाँ जाएगी। मतलब एक लड़की का जब शादी होता है तो माँ ये सिखा के भेजती है कि बेटा अब तुम्हारा शादी हो गया है, अब जैसे भी तुम्हारा ससुराल हो अब तुम्हें वो पूरी जिंदगी वहीं पे रहना है, अब तुम्हारा यहाँ से डोली उठा है, ससुराल से तुम्हारी अर्थी उठेगी। एक बेटी को इस तरीके से बोल के विदा किया जाता है। अब देखो, जब एक लड़की का पति अब इस दुनिया में नहीं रहता तो सास ससुर भी उसको लात मार के बाहर निकाल देता है, तो सच कहते हैं कि लड़की का ना कहने का तो दो दो घर होता है मगर रियल में एक भी घर नहीं होता है। अभी जो है सपना 20-25 हज़ार फ्लैट को दे रही है, जिस हिसाब से वो होम टूर करवाया है सपना ने, वो हिसाब से देखने में तो इसी तरीके से लग रहा है कम से कम उसका रेट 15-20 हज़ार से कम नहीं होगा। अब 20-25 हज़ार इसी तरीके से हवा में जा रहा है, बच्चे को अगर अच्छा शिक्षा देना तो अच्छे से अच्छे स्कूल में करवाना है। तो जब सपना अपनी बातें रख रही है, सपना
जब यहाँ से निकली, अपने ससुराल से निकली, तो बस अपनी भी बातें रखी, ससुर जी के भी बातें रखी, किसी का भी बातों को कट नहीं किया। तो वहां पे सपना जब अपनी चीजों को मांगने लगे तो वहां पे भी सवाल खड़ा कर दिए आप लोग। तो ये बेचारे को क्या मतलब कहना चाहते हैं। अब सपना का लास्ट में इसके ब्लॉग चैनल के ऊपर, लोगों को चैनल के ऊपर टारगेट है। अब क्या चाहते हो आप कि वो बच्चे अपने बच्चे के लिए ना जिए, सपना अपने बच्चे के लिए ना जिए, क्या चाहते हो? इसको अच्छा शिक्षा ना दे इसको, क्योंकि उसके पास कोई कमाने वाला नहीं है और इसके पास कोई कमाने का सोर्स भी नहीं है सिर्फ चैनल के सिवा। अगर वो काम नहीं करेगी तो कहाँ से रेंट भरेगी, कहाँ से बच्चे का खर्चा निकालेगी, कहाँ से बच्चे को पढ़ाएगी लिखाएगी, अपना जीवन यापन कहाँ से करेगी, ये पहले बताओ। ना ही इसके पास कोई प्रॉपर्टी है, ना ही कुछ है। बहुत सारे कमेंट ये भी बोल रहे थे कि आप अंशु से बात नहीं करते हो क्या। कल की वीडियो सपना एक डाली थी स्नैपी गर्ल पे, इसमें सपना जो है अंशु से बात करते हुए दिखाई दी। सपना बोली कि मैं बात करती हूँ मगर हर एक चीज को मैं सोशल मीडिया पे ला नहीं सकती हूँ, क्योंकि हर एक चीज को आप सबको पता है कि घर का जो माहौल है बहुत ही गर्म है, लड़ाई हो जाएगा अगर मैं ये सारी चीजें अगर सोशल मीडिया पे रखती हूँ कि हम सपना से बातें करते हैं, मगर हम चोरी छुपे बातें करते हैं। और सपना वीडियो कॉलिंग के जरिए कल अंशु से बातें कर रही थी तो अंशु जो है खेत में आ गई बात करते करते। वहां पे भी सपना एक माँ होने के नाते, वैसे तो रियल में भाभी है, मगर अंशु को अपनी बेटी की तरह इसको पोस पाल के बड़ा किया है, बेटी की तरह इसको केयर किया है। छोटा सा ही चोटी बांधती थी, तैयार करती थी, लंच बॉक्स देती थी, स्कूल भिजवाती थी। अभी सपना अभी अंशु 10th का एग्जाम देगी और बताओ पूरा छोटा सा ही पोस्ट पाल के बड़ा कर दिया। जब ये 6 साल की थी अंशु तभी सपना के पास आई और अभी बताओ 16 साल की हो गई है। तो लगाव तो होगा ही होगा एक माँ बेटी की तरह। सपना ने ये भी खुल के बोली कि जितना मतलब अगर अंशु को मेरे से कुछ मदद की जरूरत पड़ेगी कोई भी तरीके से, अगर पैसे का मदद है तो मैं पैसे की मदद करूंगी, जैसे मैं अपनी दोनों बेटियों को मदद करूंगी ना, जैसे मैं अपनी बेटियों के लिए हमेशा खड़ी हूँ इसी तरीके से मैं अंशु के लिए भी खड़ी हूँ। मगर ये हमारी बेटी नहीं है, मगर मैं दिल से बेटी ही मानती हूँ, मगर रियल में हमारी बेटी नहीं है क्योंकि मैं सिर्फ पोसी हूँ, इसको अच्छे से पढ़ाया लिखाया है, मगर ये बेटी किसी और का है तो इसलिए मेरा हक नहीं है। मगर ये भी मैं बोल दूँ आप सभी से कि मुझे अंशु से बात करने से कोई रोक नहीं सकता या अंशु को कोई नहीं रोक सकता। अंशु जब खेत में चली गई थी तो वहां पे भी सपना एक माँ होने के नाते बोल रही थी कि तू अकेले बाहर मत निकला कर, तू अकेले बाहर मत निकला कर। सोचो यहाँ से रह के भी सपना कितना अंशु के लिए सोचती है कि गांव का माहौल किस तरीके से होता है, लड़कियों को किस तरीके से देखा जाता है। इसलिए सपना बोली थी कि तू जितना जल्दी हो सके तू घर के तरफ लौट जा। तो इस तरीके से बातें लोग करते हैं, उनको शर्म नहीं आता। अब इसको सिर्फ सपना को सिर्फ चैनल ही है एक सोर्स कमाने का। अब वो भी नहीं कमाएगी तो अपने बच्चे को अपना पालन पोषण कैसे करेगी, आप खुद बताओ। रही माँ बाप का, तो एक कमेंट ये भी आता है कि मैं हमेशा माँ बाप का सपोर्ट में रहूँगा और हूँ। अगर वो माँ बाप का सूरज और राजवीर अगर आसपास होंगे इनका आत्मा कितना दुखी होगा कि मेरे माँ बाप के साथ आज क्या हो रहा है। तो सूरज और राजवीर जी का आत्मा तो ये भी सोच रहे होंगे कि मेरी मम्मी पापा ऐसी नहीं थी मगर मेरी बीबी के साथ, मेरी पत्नी के साथ, मेरे बच्चे के साथ, मेरी पत्नी के साथ तो कर ही रही है मगर मेरे बच्चे के साथ मेरे माँ बाप कैसे बिहेव किए कि घर से निकाल के फेंक दिए, मेरे बच्चे को नहीं सोच छोड़े। तो अगर वो आत्मा अपने माँ बाप के लिए इतना तड़प रहा होगा तो अपने बच्चे के लिए भी वो तड़प रहा होगा कि मेरे बच्चे के साथ आज कौन से दशा हो रहा है, मेरी बीबी के साथ किस तरीके से दशा हो रहा है। तो इस तरीके से कमेंट करने से पहले ना आप 100 बार सोचिए कि अगर दुख तकलीफ अगर वो बूढ़े माँ बाप का है तो वो दुख तकलीफ वो बीवी का भी है, वो पत्नी का भी है। कभी वो पत्नी नहीं चाहेगी कि मेरा पति इस दुनिया में नहीं रहे। जब एक औरत का पति इस दुनिया में नहीं रहता तो उसको समाज जीने नहीं देता है, इसको समाज परेशान करके रख देता है। और एक कमेंट
टैग भी था कि द रॉड चैनल जेरी के नाम से। तो जेरी क्या ब्लॉगिंग करने वाला है ये पहले बताओ, जेरी क्या ब्लॉगिंग करने वाला है? अगर जेरी का वीडियो नहीं आएगा तो हम सब नहीं देखेंगे। तो ये तो साफ साफ तौर पे दिख रहा है कि आप सब सपना से पूरा जल रहे हो, इतना जल रहे हो कि मत पूछो। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और जो लोग इतना नेगेटिव कमेंट करते हैं ना, ऐसे लोगों के ना चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ऑलरेडी भगवान उसको इतना दुख तकलीफ दे रखा है कि एक नहीं दो दो पति इस दुनिया में नहीं, वो कितने हर चीज को सामना कर रही है। छोटे छोटे बेटियों को इसका पालन पोषण करना है। रही बात सपना के सास ससुर का, तो अगर सपना बेटा पैदा करती ना तो शायद सपना को घर से बेदखल नहीं करते। सपना के सास ससुर जो है बेटियों को कोई इज्जत कोई रिस्पेक्ट नहीं देते, सीधे बोलते मेरा वंश खत्म हो गया, इस तरीके से बात करते हैं बेटियों को ऊपर। अब ऐसे इंसान को क्या आप बोलोगे? सपना का सास भी तो एक लड़की है, एक औरत है। अगर सपना का सास अगर लड़की इस दुनिया में नहीं रहेगी तो कहां से अपने लिए अपने बेटे के लिए बहू लाओगे? सपना के सास ससुर बोलते हैं मेरा वंश खत्म हो गया। बताओ कहां से वंश खत्म हो गया है? तो आप पोतियां जो है आपका ही बच्चे का खून है ना, आपका ही बेटे का खून है ना। तो आपने दिमागी मेंटेलिटी जो सोच है ना उसको अगर चेंज करोगे ना तो बेटियां जो है ना बेटे से कम नहीं है, कहीं ज्यादा बेटे से ज्यादा केयर करती है, ज्यादा चिंता करती है, माँ बाप को ज्यादा सपोर्ट करती है। सपना को इस तरीके से कमेंट करते हैं कि जिस तरीके से तुम ओ बूढ़े माँ बाप को छोड़ के आई हो ना, अगर तुम्हारी बेटी बड़ी होकर तुम्हें छोड़ दे और अपने दादा दादी के पास चले जाए तो तुम्हें कैसा फील होगा? तो अगर दादा दादी जी केयर के इतना केयर करते ना कि नहीं मेरा बेटे का खून है मेरा पोती है, तो बड़ी हो गया सच में वो बच्चियां जो है अपनी दादा दादी के लिए प्राण निछावर करती, जान निछावर करती। मगर अभी से ही इसके माइंड में इतना चीजों डेवलपमेंट किया जा रहा है कि दादा दादी घर से निकाल दिया, वो क्या बड़ी होके कभी भी दादा दादी के प्रति समर्पित होगी पूरा दिल से? हाँ, जिम्मेदारी को पूरा करेगी कि कहीं ना कहीं वो मेरा दादा दादी है, मेरा जिम्मेदारी है उनका केयर करना, उनका रक्षा करना। मगर दादा दादी अगर अभी से अपने पोता पोती को इस तरीके से समर्पित रहते हैं कि कुछ भी हो जाएगा अपने बच्चे को अपने से अलग नहीं होने देंगे। छोटी बेटी सपना का आरोही जो है आरू जो है दोनों कितना मतलब उस बच्चे को देख के दूसरा कोई खुश हो जाता है, गोद में लेके दूसरा कोई प्रफुल्लित हो जाता है, इतना खुश कि मत पूछो। अब वो सास ससुर अपने बच्चे को भी छोड़ दिए, सपना को तो मान लीजिए कि चलो भाई दूसरे सपना को मान लीजिए कि पराई घर से आई है, सपना को नहीं समझा, मगर अपने बच्चे का खून को तो समझता, अपने बेटे का अंश को समझता। सपना का सास ससुर वो भी नहीं समझा और हर चीज से बेदखल कर दिया। सपना कुछ दिनों के लिए कुछ टाइम सोची भी थी कि अपने बच्चों के लिए लड़ूंगी, अपना बेटियों का हक लूंगी, मगर अब तो सपना दिल पे पत्थर रख दिया कि चलो मरेंगे तो वो अपने छाती पे लाद के ले जाएंगे। इस तरीके से लोग जो है मतलब सपना। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। सपना के सासू माँ के दिमाग में भरा हुआ है कि अब मेरा बारिश जो है मेरा भाई और भतीजा ही है, और सपना का सासू माँ का एक अंशु का पापा दो भाई है, यानी सपना के जो सासू माँ का दो भाई है और एक अंशु का पापा हो गया एक और है। तो एक अंशु ब्लॉगिंग करती है, एक अंशु के बड़े पापा का बेटा है, वो दो महीने से बिल्कुल भी लापता था, कोई ब्लॉगिंग नाम चीज नहीं था, अब जो है एक्टिव हो गया है और सपना के नेगेटिव कमेंट को वो लाइक करता है और जो पॉजिटिव कमेंट किया जाता है उसको डिलीट कर देता है। और सपना को नचनिया का नाम दिया है कि सोशल मीडिया पर वो नाचती है, तो सपना से भी गंदा नाच तो ये इंस्टाग्राम पे इसकी बीवी नाचती है, इसकी फैमिली नाचती है, तो खुद को अब बहुत ही अपने आप को महान समझ रहा है। सपना का ऐसा कौन सी वीडियो है कि जो आपको अश्लील दिख रहा है, चाहे नेगेटिव दिख रहा है, क्या दिख रहा है? बस वो बेचारी कपड़े उपड़े का प्रमोशन करती है, उसमें एक दो रील बना लेती है। तो इस तरीके से तो सपना के सासू माँ का बस दिमाग में भर गया है कि अपने भाई भाई को ही अपने साथ रखेंगे, अपने भतीजा को ही बारिश बनाएंगे। इस तरीके से सपना के सासू माँ का
दिमाग में भर गया है। तो बताओ कोई भी लड़की अपना हक और अपने बच्चे का हक कैसे मार सकती है? कहीं ना कहीं अगर सपना से मैं यही बोलूंगी कि अपने बेटियों का हक लेने से कभी भी पीछे मत हटो, अगर कोर्ट तक जाना पड़े तो कोर्ट तक जाओ, जहां आपके पति का नाम से जो चीजें हैं उस पे 100% आपकी बेटियों का हक है और आपका हक है। और जो शादी में जो लड़की को जो चीज गहना मिलता है उस पे स्त्री धन बोला जाता है, उस पे पूरे का पूरे लड़की का हक होता है। तो आपकी सासू माँ तो वैसे भी मनमानी किया, आपके ससुर जी आपको ब्रेन वॉश करके हर तरीके से नंगा कर दिया, हर तरीके से आपको भिखारन बना के रख दिया। अब उसके पास सिर्फ कमाने के लिए यूट्यूब चैनल है। अब यू सोशल मीडिया पे भी आप, इसके चैनल पे भी आप सबका निशाना है। अगर वो कमाएगी नहीं तो अपने बच्चे को पालन पोषण कहाँ से करेगी? सो गाइस अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जाते जाते मैं बोलना चाहूंगी, सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अगर आप सावधान, सतर्क और सुरक्षित रहते हैं तो हमारे देश में होने वाला क्राइम काफी हद तक कम हो सकती है। लास्ट में एक बात और मैं बोलूंगी कि भगवान अपने सपना को बहुत दुख तकलीफ दिया, अब वो खुश रहना चाह रही है, तो बस इसकी जिंदगी में आप दुख मत देना, कभी दुख मत देना, बस यही इस वर्ष में प्रार्थना करती हूँ। और जो ऐसे नेगेटिव कमेंट करते हो ना, प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, वो बेचारी खुद इतना दुखी है, तो इस तरीके से कमेंट करके उसको ऑलरेडी और दुखी मत करो, क्योंकि अगर वो उसको कुछ हो जाता है तो उसके दोनों बच्चे को कौन पालन पोषण करेगा, कौन देखरेख करेगा? माँ जब इस दुनिया में नहीं रहती है ना तो बच्चे का कोई भी अस्तित्व नहीं रहता, इसको कोई भी केयर करने वाला नहीं रहता, इधर ठोकर खाता है, उधर ठोकर खाता है, तो वो बेचारे खुद इतना दुख तकलीफ में है। तो प्लीज ऐसा कमेंट मत करो, पॉजिटिव कमेंट करो, अगर आप थोड़ा भी आपके दिलों में दया भाव है तो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।